मेरा सवाल मौलाना साहब से है। मौलाना साहब, मैं एक हिंदू हूँ, हमने हिंदू में जो भी कमियां थी, सती प्रथा थी उसे कम किया, घूंघट वाला था उसे भी हटा दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो मोमडन लड़कियां हैं या लेडीज हैं उन्हें पढ़ाई चाहिए या हिजाब वगैरह इसका विवाद चाहिए, कि मतलब आप जाओ स्कूल में पढ़ो या ये सिखाया जाए कि आप हिजाब बांध के जाओ वहां पे? बात करके आपको बता दूं कि मैं ये नहीं जानता क्या कुप्रथा थी, मैं किसी मजहब के बारे में कभी गलत बयानी नहीं करता। टीवी चैनल हो या घर में बैठकर को, मैं सारे मजहब की इज्जत करता हूँ, इज्जत करता रहूंगा। मैं एक बात बता दूं, हमारे मजहब में कोई कुप्रथा नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता है, हमें कतई इस बात से बहस नहीं है। हमारे मजहब में कोई कुरीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नंबर एक, ये बहुत सीढ़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठूस जितने हैं तुम सारे का सारे। सबसे बड़ी परेशानी, दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी परेशानी यही है, इस्लाम पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी है। कोई हर धर्म अपने आप को परिवर्तन के लिए खोलता है। हमारे अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कोई मैं आपके सामने हजारों महिलाएं खड़ा कर दूंगी जो बोलेंगे हिजाब हमारे लिए गलत चोट पे कहता हूँ। आप कल्पना कीजिए, आपको कल बोला जाए, एक सेकंड, आपको कल बोला जाए सिर से पैर तक काला कपड़ा पहनकर निकलो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सिलाई मशीन चलानी आती है? नहीं, क्यों? वो तुमसे बात करने में मेरी फटके चार हो गई है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बात है, थोड़ी हुई मैडम, ये बात है, ये मिसाल देने वाली बात नहीं है, ये मिसाल है। आप चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप इसके सवाल और प्यार से देखो, अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार? पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? सबके सारी बाध्यताएं महिलाओं के लिए क्यों है? लिबास है मर्दों, औरतों के लिए लिबास है, सबके लिए मुकर्रर लिबास है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बने रहे ऐसी डिबेट के लिए इस चैनल पर।